हाय गाइस, दिस इज शाल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं करने वाली हूँ अनबॉक्सिंग एक चॉपर की। एंड पहले हमारे पास एक चॉपर था, वो भी काफ़ी टाइम चल गया हमारे पास, लेकिन वो बीच में ख़राब हो गया था, इसलिए फिर हमने नया ऑर्डर किया है, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। तो उसी की आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो, एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ। एंड सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं, बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब, तो बिल्कुल आप फ्री कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब तो करना बनता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड सब्सक्राइब के बटन को ग्रे कर दीजिए। तो चलिए आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको इसका चॉपर का लुक दिखा देती हूँ। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का ये बॉक्स आता है एंड ये कुछ इस तरह का चॉपर है। एंड ये जो चॉपर है ये हमने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपका इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, इसका लिंक आप जाके वहाँ से क्लिक करके बाय कर सकते हैं इसको प्रोडक्ट को। एंड चलिए फिर इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि ये कैसा है। एंड हाँ, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम इसको टेस्ट भी करने वाले हैं, क्योंकि इसका टेस्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कैसा है, कैसे चॉप करता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो गाइस, सबसे पहले इसको हम अनबॉक्स करते हैं। एंड हाँ, अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको दिखा देना चाहूँगी, इसमें 900 ml की इसकी कैपेसिटी है एंड 6 months की वारंटी है। सो गाइस, सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। ये कुछ इस तरह से अनबॉक्स होता है एंड इसका ये एक रैपर आता है, इसमें मिलता है ये। सो गाइस, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पे इसका हैंडल है। सो इसमें ये बाउल है, इसका काफ़ी बड़ा बाउल है जिसमें आप इजीली, अगर ज़्यादा सामान आपको इसमें चॉप करना है, कोई भी चीज़ आपको इसमें चॉप करनी है ज़्यादा, तो आप ईज़िली कर सकते हैं। सो गाइस, अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसके ब्लेड्स। तो इसके 2 types के ब्लेड्स हैं, एक विस्क करने के लिए एंड एक चॉप करने के लिए। तो ये जो ब्लेड है ये स्टेनलेस स्टील है, इसके ब्लेड जो है ये स्टेनलेस स्टील है, इसमें स्टेन नहीं लगता है। एंड इसको आपको केयरफुली इसमें लगाना है इस तरह से, ये जो इसका होल होता है इसको आपको इस वाले उसके अंदर लगाना है बीच में। एंड उसके बाद आपको इसे यहाँ पे इस तरह से, ये जो इसका अंदर का आपको दिख रहा है ये इसमें लगाना है आपको। एंड यहाँ पे एक लॉक होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक लॉक होता है। तो आप लगाते हैं जब ये इस तरह से, तो आपको बस इसको अपनी तरफ से, ये वाला अपनी तरफ को ऐसे खींचना होता है एंड ये आपका लॉक लग जाता है। तो ये गिरता भी नहीं है, इसमें कोई कोई भी चीज़ गिरती भी नहीं है एंड ईज़िली आप इसको चॉप कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले इसको चॉप कर देती हूँ, इस तरह से दिखा देती हूँ मैं आपको चॉप करके। ये देखिए, काफ़ी अच्छे से चॉप हो रहा है, मतलब चॉप हो जाएगा इससे अच्छे से। एंड इसमें बहुत सारे ब्लेड्स भी हैं जिससे बिल्कुल फाइन चॉपिंग होगी इसमें। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये प्रोडक्ट, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा प्रोडक्ट ये वाला। एंड चलिए अब मैं आपको इसके ये जो ये वाला विस्क वाला ब्लेड है ये वाला भी लगा के आपको इसमें दिखा देती हूँ। तो आप इसमें अगर एग को ब्लेंड करना चाहते हैं वो बहुत इजीली हो जाएगा, कुछ भी अगर आपको उसका ब्लेंड करना है वो इजीली अच्छे से इसमें हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मैं ले आई हूँ अनियन को कट करके, इसमें मैंने डाल दिए हैं अनियन। एंड उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पर मेरे इससे, ये बहुत शार्प ब्लेड है इसका, तो मुझसे ज़रा सा कट लग गया था। आप लेकिन केयरफुली करिएगा, बट मेरा भी दर्द नहीं हो रहा है, मैंने इसमें डिटॉल लगा लिया था। सो चलिए अब हम इसको चॉप करके देखते हैं कैसा चॉप होता है इससे। सो गाइस, यहाँ पे मैं अभी लॉक कर देती हूँ एंड अभी से हम चॉप करके देखेंगे। सो गाइस, चलिए अब हम इसे चॉप करते हैं। सो
गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फाइनली चॉप हो गया है हमारा अनियन, एंड आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में चॉप हो गया है, ये बहुत ही अच्छी तरह से ये चॉप हो गया है। एंड मैं अभी आपको इसे निकाल के दिखाती हूँ कैसे चॉप हुआ है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से बिल्कुल फाइनली चॉप हुआ है। मैं आपको एक और बात बताना भूल गई थी कि ये जो चॉपर है ये मैंने सबसे पहले इसको वॉश कर लिया था, अच्छे से वॉश कर लिया था मैंने, इसके ब्लेड्स को भी बहुत केयरफुली मम्मा से वॉश करवाया है मैंने खुद वॉश नहीं कराया। एंड इसके बाद मैंने इसको भी अच्छे से वॉश कर लिया था, इसके लिड को भी वॉश कर लिया था। एंड आपको लगे अगर कि इसके अगर लिड को हम वॉश करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, ख़राब होने का डर है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये वॉशेबल है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, आप इसे इजीली वॉश कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। एंड वॉश करके ही पहले आप इसे यूज़ करें क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइज़ आज का मेरा अनबॉक्सिंग वाला व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, एंड लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो फिर मिलूंगी आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।